हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। और आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते इसमें क्या गिवन है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी कि दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या है 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है गाइज, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा बताइए। देखो अभी लास्ट एक्सरसाइज में एक्स और वाई की फॉर्म में क्या था, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, सेकंड नंबर को वाई मान लेते हैं। तो उन दोनों का नंबर का सम क्या होना चाहिए 27, यानी कि एक्स प्लस वाई इज 27 दे रखा है। बट एक्चुअली है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, यानी कि दो जो पूरी इक्वेशन होती है वो एक वेरिएबल में होनी चाहिए, यानी कि वाई हम इंक्लूड इसमें नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सेकंड जो नंबर हमें लेट करना है वो भी एक्स की फॉर्म में ही लेट करना होगा। तो क्या करते हैं, जो वाई हम लेट करने वाले थे उसको एक्चुअली वाई ने लेट करके एक्स की टर्म में वैल्यू निकाल लेते। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 मिलना था, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है और गिवन है कि सम 27 है, तो ऐसे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 प्लस का इस तरह हो गया माइनस का एक्स, यानी कि जो सेकंड नंबर है हम उसे y ना लिख के क्या लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन ये है कि उनका प्रोडक्ट 182 है, यानी कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182, दैट इज गिवन अप। ओके, तो x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27x हो गया, एक्स स्क्वायर होता है एंड प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल्स टू 182। गाइस कोशिश ये किया करो कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव आ गया, यानी कि इन टर्म्स को हम उस साइड ले जाते हैं। जीरो माइनस का एक्स के इधर आके हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 27x इधर आके हो गया माइनस का 27x। 182 तो यहाँ ऑलरेडी था, इसको छेड़ा ही नहीं हमने, तो ये प्लस 182 रह गया। या ऐसे लिख लो या फिर इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब वही बड़ा नंबर है, देखना थोड़ा मुश्किल होगा, देखते कैसे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू दिस 182, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिन दो नंबरों का प्रोडक्ट 182 है और क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि दो नंबर को ऐड करके 27 मिले। सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, बताइए मैंने बात, 182 पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर आने का मतलब है वो दो नंबर जो पेयर हम ढूंढ रहे हैं या तो वो प्लस प्लस हो या वो माइनस माइनस हो। माइनस माइनस जब होते हैं जब ये साइन माइनस हो, और प्लस प्लस जब होते हैं जब बीच वाला साइन ये प्लस दे रखा हो या माइनस गिवन है, इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ढूंढने हैं वो नंबर है क्या, तो मैंने बताया था जब भी बड़ा नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। टू से शुरू करते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 9 + 1 10, यानी कि 3 के टेबल में तो आने से रहा, 7 के टेबल में ये शायद आता है, 7 1 7, 8 9 2, यानी कि 7 3 21, 13 1 13। तो ये 3 नंबर हमें मिल गए गाइस, यानी कि हमें इन तीनों नंबर्स को इंक्लूड करने और दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके 27 मिले। तो ऊपर से शुरू करते हैं, 7 2 14 और एक अकेला ये 13, एंड 14 13 ऐड करके 27 मिलता है, यानी कि वो दो नंबर हो गए -14 एंड -13। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे वाले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, केवल ये x, x कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा -14। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है, देखो भाई सबसे पहली बात ब्रैकेट अंदर की सेम बनानी होती है, तो माइनस का 13x है हमें वो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस साइन तो आंख बंद करके हमने ले ही लिया। इंटू 13 इसके फैक्टर में आता है, देख लिया तभी हमने यहाँ, तो 13 भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या केवल यहाँ पे x, और 13 से 182 को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, 13 1 13, 13 4 52, यानी कि डिवाइड करके 14 आया। अब 14 किसका, प्लस का या माइनस का, जब भी माइनस एन कॉमन लेते हैं साइन क्या हो जाते हैं गाइस, हमारे चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस, ब्रैकेट अंदर की सेम आने चाहिए थी, आ गई है। इन दोनों की जगह क्या रखते हैं, एक ब्रैकेट लिखते हैं, इंटू ये वाली से एक ब्रैकेट बनते हैं, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 जब होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि एक बार एक्स माइनस 14 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार इस माइनस 13 को इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए यहां से आ गई 14 एंड एक्स के लिए यहां से आ गई 13, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर को हम एक्स लेट कर रहे हैं
तो मान लो अगर 14 ऐड करें तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 13, या ये कह सकते हैं 27 - 14 = 13। और अगर 13 ऐड करें पहले नंबर को तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 14। तो फर्स्ट नंबर मान लो हम ऐड करते हैं, देयरफोर नंबर्स आर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिख नहीं रहे, 13 और 14, आगे पीछे वो ने कैसे भी कर लो ऐड करके 27 ही मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 182 ही मिलेगा। तो गाइस ये था थर्ड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों के क्वेश्चन सामने आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर नहीं भी समझ में आया, कोई चीज़ गलत लगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।